करते हैं और जो आपका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट सेक्शन क्या हमारे पास, पोर्टफोलियो। तो लेटेस्ट फाइल को ओपन करेंगे नोटपैड में और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। इस कंटेनर के बाद में आपने एक न्यू कंटेनर बनाना है और इसका हम लोग नेम जो है वो चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन। सेक्शन इज आवर पोर्टफोलियो। कॉल करिए विदाउट स्पेस और यहाँ पर आप इसको डिफाइन करिए। तो टेक्स्ट कॉल्स जो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया होगा आपने वो फाइंड आउट कर लेना है। लोकेशन क्लास की बात कर रहे हैं या फिर सेक्शन की बात कर रहे हैं? क्लास वाला स्टार्ट कहाँ पर है? मतलब कि हाँ स्टार्ट तो मतलब टॉप से है लेकिन कहाँ पे एंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। एंड कैसे मतलब समझा नहीं, जैसे स्टार्ट होता है वैसे एंड होता है? इसलिए तो आप टैब लगा के लिखना चाहिए ना आपको क्लियरली, ताकि पता चलता रहे कि हमारा टेक्स्ट कॉलम्स देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। या जैसे हम लोगों ने अगर हेडर के लिए काम किया, हेडर वाला पार्ट में हमारे कोई सेक्शन नहीं था, हेडर अपने आप में सिंगल रो में कंप्लीट हो गया तो वन टाइम ही मेंशन हुआ। अब देखिए अब नेबर मल्टीपल टाइम यूज़ हुआ हमारा, तो नेबर की बिगिनिंग कहाँ से यहाँ से, इसलिए बोलता हूँ टैब लगा के लिखो। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियरली पता रहेगा कि हमने स्टार्ट कहाँ किया है और एंड कहाँ पर किया है। तो इसीलिए दोबारा से देखो, हम लोग पोर्टफोलियो से शुरुआत, सॉरी पोर्टफोलियो तो अपडेट था, पोर्टफोलियो तो हम लोग पोर्टफोलियो से शुरुआत कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये हमारा पोर्टफोलियो, हमने हाइफन लगा के बेसिकली नीचे इसको कॉल किया है। इस एरिया का हाइट आप कितना रखना चाह रहे हैं वो आप फोटोशॉप से चेक करेंगे। पैडिंग वाले पार्ट को छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये तकरीबन 169, तो हम लोग इसको राउंड फिगर 170 कंसिडर कर लेंगे। बाकी तो पैडिंग है ना ऊपर नीचे, तो बाकी तो पैडिंग ही है ना ये, तो पैडिंग डाल देंगे ऊपर नीचे, खत्म हो जाएगा। टेंटेटिव हाइट इसका यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है, जो कि कस्टमाइजेबल है, बाद में हम लोग चेंज करेंगे। मार्जिन ऑटो का यूज़ करें ताकि हमारा कंटेनर सेंटर में क्रिएट हो। एंड इसको डिफाइन करने के बाद यहाँ हमने कॉल किया हुआ है, डिप को क्लोज करेंगे कंट्रोल एस और अपने इस फाइल में इसको करेंगे आप रिफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं इंस्पेक्ट, तो हमें ये सेक्शन यहाँ पर दिखना चाहिए, बना जरूरी नहीं है अब इतना तो समझ आ रही है। तो जैसे लोग पॉइंटर लेके आएंगे तो अभी दिख रहा है वाला एरिया अपना, पैडिंग आप देख सकते हैं अलग कलर से हाईलाइट हो रहा है, मार्जिन अलग कलर से हाईलाइट है। किसको नीचे ले जाना है? और नीचे मतलब आप इस वाले गैप की बात करो, किससे और नीचे जाना है? गैप दोनों के बीच आ रहा है, ऊपर वाले सेक्शन और नीचे वाले सेक्शन के बीच जो गैप आ रहा है, ये वाला जो गैप, हां हम उसे मतलब बढ़ा नहीं सकते, पैडिंग बढ़ा दे, नहीं क्यों नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम तो फॉलो कर रहे हैं ना कि यहां पर स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड यूज हुआ है हर जगह पर 20 पिक्सल्स का स्टैंडर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए वो इवन ही रखोगे। अब ऑड इवन चलाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कहीं पर गैप ज्यादा है कहीं पर कम है, तो डिजाइनिंग का बैलेंस भी तो एक चीज होती है ना। ऐसे तो क्या आप कुछ भी करा सकते हो, लेकिन वही है ना कि फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, फिर तुम्हें वैल्यू मिल गई कुछ भी डाले जा रहे हो, अनाप शनाप, उसका फ़ायदा नहीं है।
पूरा डिजाइन एक सिंक में होना चाहिए। सर वैसे हमने इसमें जो पैडिंग सिर्फ एक बार वो करी डिस्कवर करी कि तीनों में सेम डलेगी। हाँ। अगर हमें सिर्फ आर बेनिफिट की बढ़ा दी तो इसके कॉलम में अलग से पैडिंग पैडिंग लिख देंगे तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते नहीं हम। हाँ। चलिए तो ये था अपना पोर्टफोलियो सेक्शन। तो रिवील रखना चाहते हैं तो बॉर्डर या आउटलाइन वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं जैसे कि आउटलाइन 1 pixel सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक, और इसको आपने यहाँ ला के रिफ्रेश कर लेना है तो ये आपको रिवील हो जाएगा। अब इस एरिया में हमें यहाँ पर टेक्स्ट कॉल करना है तो आप यहाँ से हेडिंग को कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे, इसके बाद हम लोग ULLI का यूज़ करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे और इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट आपने यूज़ कर लेना है IMGSRC। बाकी सभी LI रिमूव, इसको हम लोग नेम प्रोवाइड करेंगे पोर्टफोलियो 1। ठीक है, ये अपना सेट हो गया। तो डेटा कॉल इमेज को एक्सपोर्ट कराइए, सेलेक्ट करेंगे अपने सेक्शन को पोर्टफोलियो, राइट क्लिक डुप्लीकेट ग्रुप न्यू एंड ओके। अब हमें यहाँ से क्या नहीं चाहिए, तो जैसे कि हम लोग ये लाइन देख रहे हैं सेक्शन की, हम लोग CSS से अचीव करेंगे, टेक्स्ट हम लोग वहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, टेक्स्ट को ऑफ कर दीजिए, हमारे पास क्या पार्ट रहेगा आप सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, सो यहाँ जाइए, क्रॉप करेंगे इसको और इसको हम लोग सेव फॉर वेब कर देंगे यहाँ से JPG, और बैक करेंगे आज की डेट में और इसको लोग नेम देंगे पोर्टफोलियो 1। अंडू करेंगे सेक्शन, इसके ऊपर बनाएंगे क्रॉप ट्रिम सेव फॉर वेब, ये पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा अपना 2। इमेज के अंदर आता है, यहां से पोर्टफोलियो 3। अब देखो ना, जैसे ट्रिम होता है या जो मैं क्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, तो इनका क्या होता है ना, दोनों का कोई शॉर्टकट कमांड नहीं होता, बट यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैं कोडिंग वाला बंदा हूँ तो मैं माउस का यूज कभी नहीं करता हूँ, तो सारे काम आपके SOC कमांड पर। तो देखो कंप्यूटर जब बनाया गया ना तो उसमें दो चीज़ें डाली गई, 1 इज हॉट की, 2 इज शॉर्ट की। आप लोग चलाते हो शॉर्टकट कीज, ठीक है, और मैं चलाता हूँ हॉट कीज, ये डिफरेंस है। तो हॉट कीज आपको फैसिलेट करता है कि जिन चीज़ों का शॉर्टकट नहीं है उनको भी आप चला सकते हो। ध्यान से देखना, अब जैसे मुझे फिल्टर में जाना है तो फिल्टर की कमांड आपको पता ही नहीं होगी, लेकिन मैं फिल्टर को एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप देखोगे फिल्टर के लिए हम यहाँ हैं फिल्टर के अंदर। तो जो भी मेन्यू आप चलाना चाहते हो ध्यान से देखो, ऑल्ट जो होती है कंप्यूटर के अंदर फादर की होती है, आप जैसे ही ऑल्ट प्रेस करिए हर एक मेन्यू का शॉर्टकट दिखने लग जाएगा आपको, दिखाई दे रहा है, सभी के नीचे देखो एक लाइन बन गई मेन्यू में, ठीक है, समझ गए। अब जैसे मैं इमेज के अंदर जाना चाहता हूँ, मैंने आई प्रेस किया तो आप देख रहे हो ट्रिम की शॉर्टकट कमांड किया Alt-IR, क्रॉप की शॉर्टकट कमांड किया Alt-IP, ठीक है। तो हॉटकीज और शॉर्टकीज में क्या डिफरेंस है, शॉर्टकट कीज चलती है कॉम्बिनेशन में, जैसे कंट्रोल प्लस, हॉटकीज कॉम्बिनेशन में नहीं चलती कि Alt-IP आप एक साथ दबाओगे, Alt-IP ऐसे दबाना है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन रफ्तार इतनी तेज़ होती है आपको लगता है कि कॉम्बिनेशन चल रहा है, बट ये इतनी तेज़ी से काम हो रहा होता है कि आप बस टाइप करते जा रहे हो काम हो रहा है। कभी भी ना शॉर्टकट से याद नहीं करना चाहिए चीज़ों को, उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट जो होते हैं ना हर सॉफ्टवेयर के आपस में मिक्स एंड मैच हो जाते हैं।
जैसे हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, हम लोग पूरे साल तो पढ़ते नहीं है, एग्जाम का टाइम आता है उसी रात लगे सारी क्वेश्चन याद करने, और एग्जाम हॉल में पहुंचे सब जाके एक बन गए। ऐसे ही होता है शॉर्टकट कमांड के साथ में। तो सभी सॉफ्टवेयर पर आप एक सा ही फ्लुएंटली काम कर पाओ तो उसके लिए हॉटकीज से काम करो, बेस्ट तरीका। इस पार्ट का हम लोगों ने ग्राफिक सेव किया है, जरा एक बार रिलोड कीजिए, अगर नेम से ही होंगे तो हमारी सभी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएगा, मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसका नेम पोर्टफोलियो, कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है यहाँ। और यहाँ हम लोगों ने अपने हेडिंग के लिए काम किया था, उसको आपने फाइंड आउट कर लेना है। ये अपना हेडिंग वाला पार्ट कॉपी पेस्ट, जहाँ पर टेक्स्ट कॉलम से उसको रिप्लेस कर देंगे फिर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर अगर कोई H2 है तो उसको ये अपडेट करेगा, हो गया अपडेट। अब क्या रहता है UL वाला, तो यहाँ आ जाइए UL टैग, फिर UL में हमने क्या यूज किया था LI, यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, क्या हो जाए नन हो जाए, और डिस्प्ले जो है इनका इन लाइन होता है, तो क्या लिख देंगे इन लाइन। ये काम करते ही आप देखेंगे सब एक लाइन में आ गया, अब बीच में गैप है, इसको हटाने के लिए आप लिखेंगे फ्लॉट लेफ्ट, बीच का गैप आपका डिलीट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या नाम है अमित, इतना लेट जल्दी निकला करोगे। तो इस गैप को आपने मैनेज करना है, तो यहां से मार्क योर सिलेक्शन टूल, गैप है अप्रोक्स 34। फोटोशॉप आएंगे, एक बार इमेज पर आते हैं और यहां से एक बार इसको चेक करेंगे डिटेल्स में, विड्थ कितना रहा है 215 215 multiply with 4 and less कर देंगे 960 divided by 3, तो 34.6 something की value में receive हो रही है इसके अंदर। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ जाके, margin top right bottom left 34 pixels, लेकिन जैसे आप ये वैल्यू डालोगे तो लास्ट वाली इमेज नीचे आ जाएगी, जब ने राइट से लिखा है तो वो चारों में जाएगा और हमें चाहिए सिर्फ 3 के अंदर, और अभी ये सही जगह पर अप्लाई हुआ भी नहीं है, टॉप राइट हमने बॉटम में डाल दिया है, अब राइट पर है, अब रिफ्रेश करो, गैप बना। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको कुछ इस तरह, लास्ट चाइल्ड मार्जिन क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो लास्ट चाइल्ड हम लोग इसका लिख रहे हैं इसको LI पोर्टफोलियो 4, वो तो इमेज का नेम हुआ ना पोर्टफोलियो 4, तो इसको हम लोग यहाँ से डिफाइन करें, जैसे कि इसको ऐसे डिफाइन करो, हम लोग लिखेंगे यूएल nth चाइल्ड
मार्जिन टॉप राइट 34 डाला था ना हमने, तो पहले देखते हैं कि हम लोग एक पर अपडेट कर पा रहे हैं कि नहीं जा रहा है। तो यूएल के अंदर में क्या बनाया है, एलआई अपडेट हुआ, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको इस तरह से, तुमने डाला है वन टू थ्री पे, तो डालोगे ना इसमें हमें आना है, वैल्यू हमारी शायद ज़्यादा हो रही है, 33 पे ट्राई करके देखो। इसी के अंदर अगर आप इसको ऊपर ही लिख दोगे ना इस तरह से, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप एच स्पैन की प्रॉपर्टी कहाँ लगाओगे या फिर एच टू की प्रॉपर्टी कहाँ लगाओगे? नहीं, हम ऊपर वाला जो ऊपर वाली जो क्लास है आर पोर्टफोलियो एच टू हमने क्लोज कर रखा है, ओपन कर रखा है, तो उधर ही हम कॉल करते हैं स्टार्ट को, उधर ही हमने फॉन्ट और वेट और ये फॉन्ट सही से उधर ही कॉल करते हैं। मेरा सवाल अगेन वही है आपसे कि हम दो टैग एक साथ कैसे लिख रहे हैं? आप जो मुझसे करवाना चाह रहे हो आपने ट्राई करके देखा नहीं। तो फिर कैसे पॉसिबल है? तो कैसे पॉसिबल है एक्चुअली, पता है क्या होता है, देखो हम इस सेक्शन में सिर्फ बात कर रहे हैं हेडिंग की, इस सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ हेडिंग के अंदर रखे हुए स्पैन की। तो मैं एक जगह पर दो बातें कैसे कर सकता हूँ? तो पहले मुझे एक चीज़ बताना होगा कि हेडिंग ऐसा होगा, हेडिंग के अंदर स्पैन जो है उसके साथ ये चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आप एक साथ ब्लेंड नहीं कर सकते दो चीज़ें, आपको दोनों के लिए स्टाइल लिखने ही होंगे। अब जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, हमने जब पोर्टफोलियो में हेडिंग की बात की, हेडिंग के अंदर हमारा स्पैन था, उसके बाद हमारा यहाँ पर आप देखेंगे यूएल था, यूएल के अंदर एलआई था, एलआई के अंदर हमारे एलआई के मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, एक नहीं है। तो अगर करने के लिए हम लोग करते तो हम लिखते हैं यहाँ से इसको इस तरह से एक बार, फिर हम लोग फिर से इसको कॉपी करते, नंबर टू करते। मैंने कैसे किया शॉर्टकट में इसको, जब तीनों को एक जैसी चीज़ें देनी है, हमने कॉमा लगा के तीनों को डिफाइन किया, इससे मेरे कोड की लेंथ कम हुई है। अब अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिखूं, ये थ्री है, ये टू है, ये वन है। फिलहाल मैं इन तीनों को कट करके पहले आपको रिजल्ट दिखाता हूँ क्या हो रहा है। अभी स्पेस हमारा रिमूव हो गया, हमने इसको कॉल किया, सेम आउटपुट आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। बट क्या हमने लाइनें कम नहीं करी? पहले वाले एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ से हटा दूँ तो इसमें हमने अपने कोड की लेंथ को बढ़ाया, भाई जब एक ही तीनों को वैल्यू जानी तो कॉमा लगा लगा के लिखते जाओ, ठीक है। तो जहाँ पर पॉसिबल होगा ना मैं आपको खुद बता दूंगा कि किसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो जो वाला आप तरीका बता रहे हो ना वो पॉसिबल नहीं है। मार्जिन ऑब्जेक्ट के बाहर, पैडिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया लाइन में, मार्जिन का यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर एल आई में मार्जिन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मुझे दो एल आई के बीच में स्पेस बनाना है। तो जब दो एलिमेंट के बीच में स्पेस बनाते हैं तो चलता है मार्जिन, जरूरी नहीं वो एल आई हो, वो पैराग्राफ भी हो सकता है, वो हेडिंग भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इसलिए उन्होंने जब दो एलिमेंट के बीच गैप बनाना होता है तो हम लोग लगाते हैं मार्जिन, और जब एलिमेंट के अंदर गैप बनाना होता है, एलिमेंट से मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी टैग हो सकता है, तब हम लोग यूज़ करते हैं पैडिंग। एल आई बाई डिफॉल्ट जो होता है कोई भी ना मार्जिन ना पैडिंग किसी का यूज़ नहीं करता है।
यूएल करता है, तो तुमने स्टेटमेंट बदल दिया अपना, ठीक है। तो यूएल के जब आप लिखते हो तो एल आई इनसाइड, तो इसी के लिए ऊपर टॉप में क्या डिफाइन किया था यूनिवर्सल सिलेक्टर में, तो मार्जिन किस में होता है, हेडिंग के अंदर, पैराग्राफ के अंदर होता है, यूएल में पैडिंग होता है, ठीक है। तो ये पार्ट अपना देखो बना। अब हमें इसमें हेडिंग के बाद में गैप मेंटेन करना है, तो आप यहां लिखेंगे H2 टैग, H2 का यूज कर सकते हैं या फिर हमारे पास पोर्टफोलियो ब्लैंक है, हम यहां लिखेंगे मार्जिन फ्रॉम टॉप 20 पिक्सल्स, ताकि सभी साइड से जीरो, और जैसे अब ये लिखेंगे तो इन दोनों में एक गैप यहां से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बस ये पार्ट अपना ओके हो गया, इसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं यहाँ से, आउटलाइन पर क्या करेंगे, नन। नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं विच इज ब्लॉग, ठीक है, इसको नेम दीजिए ब्लॉग एंड सोशल, इसका हाइट ले लीजिए, इसको 100 पिक्सल में कंसीडर करिए, ताकि टॉप बॉटम से मार्जिन पैडिंग ले लेंगे इसके अंदर 20 20, वैसे इसके अंदर इन्होंने ज़्यादा डाला है लेकिन हम लोग 20 मेंटेन करेंगे, ठीक है। और बाकी इसमें दो कॉलम आपके बनेंगे, तो आउटलाइन रखेंगे, मार्जिन ऑटो रखेंगे, नीचे आएंगे इस डिव को कॉपी, जहाँ पर ये क्लोज हुआ है उसके बाद में आप इसको कॉल करेंगे, इसको हम लोग नेम देंगे ब्लॉग सोशल डिव क्लोज, कंट्रोल एस, और ऊपर वाले का हमने बॉर्डर बंद किया, इसको हटा दो। अभी हम ब्राउज़र में चेक करेंगे ये पार्ट ओके, नेक्स्ट पार्ट हम लोग आ गए। अब हमें इस पोर्टफोलियो पार्ट में ये बॉर्डर भी डाल के आना था, तो आप बॉर्डर भी डाल के आओ, क्योंकि ये देखेंगे ना ऊपर एक बॉर्डर, नीचे बॉर्डर अवेलेबल है, फाइंड करेंगे बॉर्डर टॉप बॉटम, और इसको आपने जाके कॉल करना है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के इस सेक्शन में आके आपको बॉर्डर ला के डाल देना है, तो कॉल हो गया हमारा बॉर्डर के ऊपर। नेक्स्ट इसमें बनाइए दो डिव, हेडिंग का यूज करेंगे, टॉपिक रीनेम ब्लॉग अपडेट्स, लास्ट एक कनेक्ट विद, कनेक्ट विद अस को यहाँ पर कॉल करेंगे। इसमें यहाँ पर एक पैराग्राफ का यूज है, लिखिए पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज, देखिए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, बी आर फॉर ब्रेक, बी आर, और यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन्स है आपके पास, तो अगेन आप यू एल एल आई की हेल्प से इस पार्ट को मैनेज कर लोगे। फर्स्ट आइकन है ट्विटर, फेसबुक, फ्लिकर, आरएसएस,
एक्सपोर्ट, थोड़ा वेट कीजिएगा, चारों सेलेक्ट, पीएनजी, एक्सपोर्ट ऑल, टीटीएस 10:30 अपने बैच टाइम में आइए, इमेज सेलेक्ट, अपने फोल्डर में आइए, नेम को रिनेम करेंगे, ट्विटर, फेसबुक, फ्लिकर एंड आरएसएस, ब्राउजर में अपने रिफ्रेश करना है, सब आगे बैठो, तो अब इसकी स्टाइलिंग की बात करते हैं, ब्लॉग स्पेशल के अंदर जो हमारा डिव है, ठीक है, इसके भी हमने बॉर्डर को रिवील कर लेना है, ठीक है, और इनकी जो हाइट है वो हम लोग 100 पिक्सल्स अप्रॉक्स यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये दोनों डिव हमें रिवील हो गए, यहाँ पर ये हमारा सेकंड डिव है, ये हमारा फर्स्ट डिव है, नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे nth चाइल्ड वन विथ, और इसमें फ्लॉट भी डाल दीजिएगा, फ्लॉट क्या रहेगा, लेफ्ट, तो विड्थ एफ एट फॉर इंफॉर्मेशन, ये 661 है, मैं 700 समथिंग कंसिडर कर लेता हूँ, 700 पिक्सल्स, रिमेनिंग कितना होता है 260, क्योंकि टोटल 960 है, ब्राउजर में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, बन गए दोनों पार्ट अपने इस तरह से, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो मैटर है इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ाओ, हम यहाँ पे लिखते हैं इसकी विड्थ इज 800, तो ये रहेगा हमारे पास 160, ठीक है, तो जरा पहले टाइपोग्राफी कॉल करो, फिर उसके बाद में इसको एडजस्ट करेंगे कितना हमें रखना है, तो इसका फॉन्ट साइज है 12 पॉइंट्स, तो क्या करेंगे, यहाँ से भी हमने हाल फिलहाल में हेडिंग के लिए काम किया था, कॉपी पेस्ट, आप यहाँ लिखेंगे ब्लॉग सोशल में जितने भी हमारे हेडिंग्स हैं उनको हमें कस्टमाइज करना है, तुम्हारा यहाँ पर हेडिंग टाइप क्या है ज़रा चेक करें, H2 है, तो 2 तो नहीं रख सकते क्योंकि साइज़ वहाँ पर कम है, ठीक है, और अगर 2 पर ही कोड कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पर जाकर सीधे फॉन्ट साइज़ को 12 कर देना, रिफ्रेश करिए, काम हो गया, फिर क्या पैराग्राफ, तो पैराग्राफ कहीं से फाइंड कर लूं, वो भी कर सकते हैं, इसलिए आपको बोला ना कि दोनों ही तरीके हमारे पास, कॉपी नीचे आएंगे यहाँ पर पेस्ट, इसका क्या लगा देंगे पोर्टफोलियो नहीं आएगा, हमारा आएगा ब्लॉग स्पेशल्स, यहाँ भी ब्लॉग स्पेशल्स आएगा और यहाँ भी ब्लॉग स्पेशल्स आएगा, चलिए तो इसका फॉन्ट साइज चेक करेंगे कितना है, एरियल रेगुलर 12, कलर इज डिफरेंट, ये अपना सेट है, सॉल्व हो गया, ठीक है, तुम्हारा वो अजीब नहीं है, वो गलत जगह पर है, वो अजीब नहीं है, नीचे आइए, ये भी यार यहाँ आएगा, अभी ये अजीब नहीं रहेगा, अभी सही हो जाएगा, ठीक है, अब इस वर्ड्स को हम लोग हैंडल करेंगे, इसको हमने मेंशन किया था 800 समथिंग, वापस इसको 700 पर लेकर आइए, 260 परफेक्ट, अब अगर लोग फोटोशॉप को ध्यान से देखें तो दोनों के बीच में गैप है, ठीक है, हमें एक गैप भी मेंटेन करना है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और कम कर सकते हैं,
ठीक है, तो इधर टोटल कितना हो जाएगा 310। अब हम लोग यहाँ से इस गैप को हैंडल करेंगे, क्या लिखेंगे, विड्थ, सॉरी विड्थ ऑलरेडी है, मार्जिन लिखिए, मार्जिन 100 पिक्सल्स, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ऐसा कितना रह जाएगा, क्या बन गया, ठीक है। तो दो बॉक्स के बीच में लोगों ने गैप से अपना काम कर लिया। अगर आपने इस कंटेनर के विड्थ को इतना ही बड़ा रखना है तो इंस्टेड ऑफ मार्जिन आप यूज करेंगे पैडिंग, तो विड्थ देखिए उतना ही रहेगा लेकिन मैटर मेरा अपने गैप के साथ स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहा है, मार्जिन पैडिंग, ठीक है। तो मार्जिन बॉक्स के बाहर चलता है, पैडिंग सेम बॉक्स के अंदर काम करता है, ठीक है। तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ मार्जिन नहीं, वो हमें ऐसा लग रहा है देखने में सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने ना काम करते हुए ध्यान रखा था कि इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, मेरी भी शुरुआत यहीं से हो रही है, तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। यही तो आपने प्री प्लान लेके चलना होता है चीज़ों को, दूरदर्शिता बहुत ज़रूरी है आगे का सोच के साथ। चलो तो कनेक्ट विद अस, अभी हम लोगों ने यू एल एल आई यहाँ भी हाल फिलहाल में डिफाइन किया था, उसको कॉपी कर लेंगे, करेंगे कॉल और इसका भी क्या जोड़ देंगे, ब्लॉग सोशल रिप्लेस कॉन्टैक्ट, क्यों हमने कनेक्ट तो पेपर नाम ही नहीं लिखा तो क्यों लिखेंगे, हम तो एंथ से हैंडल कर रहे हैं ना अंदर के चाइल्ड। आप क्लास में कंफ्यूज हो रहे हो अभी भी, पास काफी सारी जगह बच गई इसमें, बस यहाँ जाके आपने लिखना है नहीं, तो कंफ्यूजन मत करो, देखो बताता हूँ, देखो डिव है, डिव के अंदर क्या है यूएल है, यूएल के अंदर क्या है एलआई है, एलआई इज अ टैग, अगर दो टैग के बीच में गैप डालते हो ध्यान से सुनो, अंदर बाहर छोड़ो, अगर कंफ्यूजन होता है दो टैग के बीच में अगर गैप ला रहे हो तो आपने यूज करना है मार्जिन, ठीक है। अब वो दो टैग कोई भी हो सकते हैं, बस ये चीज दिमाग में डालो। तो ये PNG अभी आप टैग के लिए यूज कर सकते हो, PNG मैं एलआई में गैप बना रहा हूं ना, नहीं मेरे कहने का मतलब जो आइटम्स है वो PNG हमने इसलिए लिए क्योंकि वो राउंडेड है, तो उसको हमने LI वो किया ना, उसको जो एलआई के अंदर हमने PNG को डाला है, टॉप राइट बॉटम, ठीक है। गैप बना और चाहिए तो 10 कर लो, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर ए टैग लगाना है, तो हमने टॉप में लिंकिंग डिफाइन की थी, यहाँ से कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे, क्लोज करेंगे यहाँ पर, अभी देखो हैंड का सिंबल नहीं है, जैसे रिलोड करेंगे हैंड का सिंबल काम करेगा, ठीक है। अब देखो खाली जगह पर अगर मेरा माउस आ रहा है तो यहाँ पर हैंड का सिंबल नहीं आ रहा है, बट अगर आपने मार्जिन की जगह ये काम पैडिंग से किया होता है तो खाली जगह पर भी अगर विजिटर क्लिक करेगा कुछ काम कर जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है पैडिंग का यूज नहीं करना है, ठीक है। दो एलिमेंट के बीच का गैप हमेशा आपने मार्जिन से हैंडल करना है। तो मैंने जब यहाँ पर इसको 650 किया था थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, तो आप इस बीच के गैप को थोड़ा सा यहाँ से हैंडल कर लो, कहाँ डाला था 650, इसको 670 ले जाओ और इससे 20 पिक्सल्स कम कर दो गैपिंग को, क्या डाल देते हैं आप, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व, इधर की प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग में हमें गैप मेंटेन करना है, क्योंकि हम लोग जो यू एल ऊपर से कॉपी करके लाए हैं उसमें मार्जिन ऑलरेडी कॉल है, तो हमें दोनों में एक साथ गैप बनाना है, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे हेडिंग में मार्जिन टॉप से 0 राइट
लेफ्ट मेंशन की है, ठीक है, कौन से वाले सेक्शन पे बात कर रहे हो? ये जो मैंने डाला है, ये जो हमने डाला है, हाँ, तो यहाँ पर देखो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट है, मुझे दोनों हेडिंग के नीचे 20 पिक्सल का गैप बनाना था, तो टॉप पे क्यों डालेंगे? मैं टॉप से थोड़ी डाल रहा हूँ, तो बॉटम से डाल रहा हूँ ना, मैं इस हेडिंग के नीचे गैप बनाऊंगा तो दोनों एलिमेंट में अपना 20 पिक्सल गैप हो गया ना। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ध्यान से सुनना, तो गैप कहाँ से खत्म? हेडिंग के ऊपर से, हेडिंग के नीचे से? हेडिंग के नीचे से। तुमने नीचे तो डाला है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, आप टेक्स्ट के ऊपर समझ रहे थे, बट हम लोग हेडिंग के अंदर इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि दोनों एक साथ हैंडल हो जाए, नहीं तो फिर आपको दो बार लिख करना पड़ेगा मार्जिन या मार्जिन या, क्या फायदा? ऐसी जगह ढूंढो जहाँ से एक जगह काम करो सब जगह होता है। अब बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट की बात करेंगे, विच इज फुटर, तो इसको हम लोग लिखेंगे कंटेनर फ्लूइड, और क्लास क्यों हमारी हाइट अज्यूम कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से 100 समथिंग होना चाहिए, 101 है, 101 पिक्सल्स, एंड बैकग्राउंड इज डिफरेंट, चलिए ट्राई करेंगे इसको, है ना। नेक्स्ट इसका मिडिल पार्ट आप बनाओगे, मिडिल पार्ट बनाने के लिए हम लोग किसी को कॉपी, और इसमें क्या बना देंगे, ओनली कंटेनर, ये हमारा मिडिल पार्ट बन गया। मिडिल पार्ट के अंदर हम लोग बनाएंगे दो डिव, हम लोग कॉल करेंगे इमेज, इमेज का नेम होगा फुटर लोगो डॉट पीएनजी, और यहां पर लोग मैटर कॉल करेंगे, कॉल करेंगे एक पैराग्राफ में, कॉपीराइट का सिंबल बनाएंगे एम्परसेंट सीओपी बाय, वाइट स्पेस डिलीट करेंगे, तो फुटर लोगो आपको बेसिकली सेव कराना पड़ेगा, पहले राइट क्लिक हियर, एक्सपोर्ट, पूरा पार्ट आ रहा है, ओनली लोगो फुटर चूज करिए, क्या नाम रखा हमने यहाँ पर, का डिफरेंस है, तो कभी भी अगर
सेम इमेज यूज कर रहे हैं हम लोग और आप सोचें कि हम उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे, विड्थ घटा देंगे, तो ध्यान रखना विड्थ विजुअली घट जाएगा लेकिन उसका जो वेटेज होगा, मान लो कि लार्ज साइज 1 MB का है, स्मॉल साइज आपका 500 KB का है, तो ध्यान रखना कि 500 KB चूज करना, ना कि 1 MB वाला इमेज को घटाने की कोशिश करना। मैंने वही अभी आपको समझाया कि अगर आपका हेडर वाला 1 MB का लोगो है और वही अगर आप कोडिंग से साइज घटा के लगा देते हैं तो ध्यान रखना उसका साइज 1 MB ही कंसिडर होगा, तो यानी कि मेरी वेबसाइट के अंदर अननेसेसरी 1 MB बढ़ गया। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करना कि अगर आप 1 KB भी बचा पा रहे हो तो बचाने की कोशिश कीजिएगा, तो यानी कि आपको 2 इमेज लगाने हैं, जो एक लाइट साइज का और एक जो ज़्यादा साइज का। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, एक तो डायमेंशन का फ़र्क आएगा, फुटर लोगो जिसका साइज है 3.62 KB एंड इसका डायमेंशन है 119, इसका साइज कितना है 6.26 का, तो सीधे डबल हो गया। तो मैंने एक दूसरी इमेज लगा के बस मेरा काम थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन मेरा फाइल साइज भी लाइट हुआ, मेरा काम भी आसान हो गया। ठीक है, चलो अब इस पार्ट को हैंडल करते हैं जल्दी से। लिखेंगे फिक्स फुटर, ये हमारी क्लास होगी, या फिर आप फुटर से भी हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फुटर हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया ना ऊपर। तो लिखेंगे फुटर के अंदर जो डिव है, और डिव के अंदर जो डिव है उसका nth चाइल्ड जो 1 है उसको हमने टारगेट करना है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रहा होगा या क्लियर है? देखो फुटर क्या हो गया, कंटेनर फ्लूइड हो गया, ये डिव हो गया कंटेनर और ये डिव हो गया उसके चाइल्ड जो हमने 2 बार बनाया। ठीक है, तो आउटलाइन डाल के देखो, अगर इसने आउटलाइन एक्सेप्ट कर लिया मतलब कि तो आपने सही जगह पर पहुंचा दिया। तो लिखेंगे आउटलाइन 1 pixel सॉलिड एंड कलर। ऐसा करने से हमारे इस पार्ट पर आउटलाइन आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर काम हमारा हुआ नहीं इसमें सही से, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, तो जरा कोड को अपने को चेक कर ढंग से। तो स्ट्रक्चर ध्यान से समझिए, फुटर, फुटर के अंदर 1 div है और उस div के अंदर 2 div है। तो मैंने लिखा फुटर, फुटर के अंदर है हमारा कंटेनर, लिखेंगे फुटर डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो हमारा डिव है कुछ गलत है क्या? हाँ सही पॉइंट, थैंक यू, हमारा अप्लाई हो गया। ठीक है, अब इस कंटेनर की जगह पर अगर हम लोग डिव लिखते हैं, ठीक है, ट्राई करके देखो तो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग चला सकते हैं और इस तरह से भी हम लोग चला सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें दूसरे पार्ट को हैंडल करेंगे। तो पहले तो चीज़ आपने क्या करना है, फुटर के अंदर जितने भी डिव हैं उसका फ्लॉट क्या हो जाए, लेफ्ट हो जाए, आउटलाइन भी अप्लाई हो जाए। यहाँ पर लोग डालेंगे क्या, विड्थ लाइक 700 pixel, हाइट इज 101 pixel। रिमेनिंग बचा, ठीक है, 260 pixel, 700 pixel। चलो, तो एक डिव यहाँ बंद हुआ हमारा, एक डिव यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ये हमारा बाहर आने का कारण क्या है, इसको जरा चेक करो, हमने बॉर्डर दिया है डिव को, हमने गलत जगह दिया था, हमें यहाँ लिखा था डिव,
आपके अंदर जो डिप है, आप सही है, तो दोनों पार्ट अपने सही से हैंडल हो गए। अब जो हमारा एंथ चाइल्ड है, इसके अंदर हम इसको राइट पर रखने लोग, तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना, रख जाओ। तो इसके अंदर क्या है? एक इमेज है, ठीक है। सेकंड वाले चाइल्ड में क्या है? इमेज। तो यहां पर लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, और इसको आप लिखेंगे फ्लॉट राइट। अब वर्टिकली हमें इसको मिडिल करना है, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे, अभी पहले इस वाले पार्ट पर, इस पार्ट पर खतरनाक तुक्के लगा रहे हो। पैराग्राफ यहाँ एरियल रेगुलर 12 हमने अभी पैराग्राफ के लिए यहाँ पर कोड लिखा था, उसको कॉपी कर दो, सेम काम कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे दोनों पैराग्राफ हैंडल। अब इस पैराग्राफ के लिंक को हैंडल करना है, आप फिर से कॉपी करेंगे, देखेंगे पैराग्राफ में जो हमारा ए टैग है उसका कलर क्या होगा, ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन इज नन, ये भी हैंडल हो गया। होवर पर हमें कुछ डिफरेंट करना है, कलर चेंज नहीं होगा लेकिन अंडरलाइन हमें रिक्वायर्ड है। तो आप देख सकते हो टेम्पलेट कितना पुराना है, ठीक है। तो 2010 से हम लोग अब जंप करेंगे। अब अभी तक अगर जैसे हम लोग वर्टिकली अगर उसको अलाइन करें तो हम लोग ये सीखे कि मार्जिन टॉप से डालेंगे तो ये वर्टिकली नीचे आ जाएगा, लेकिन वैल्यू आप टोटल करके डालोगे डेफिनेटली कि भाई इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है, रिमेनिंग जो होता है उतना आपने डिवाइड करके टॉप से डाल देना है। अब हम यहाँ से नए ज़माने में थोड़ा सा एंटर करेंगे, यानी कि फ्लैक्स की शुरुआत आज फुटर से शुरू करके जा रहे हैं, कि ऐसा कुछ करें कि वर्टिकली ऐसा कुछ सिस्टम हमें मिल जाए कि अलाइन हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर एक रो डिफाइन किया है, तो पहला तो चीज ये कि मैंने दोनों को अलग अलग 101 हाइट दिया था चाइल्ड को, ये हमें देने की जरूरत नहीं है। हम किसको दे देंगे, जहाँ पर हम लोगों ने कॉमन फ्लॉट डाला है, ठीक है, हाइट उनको दे देते हैं तो दोनों को अपना आप दे देगा ना, ठीक है। अब जो ये वाला हमारा डिव है, ठीक है, इस डिव के ऊपर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लॉट, हम फ्लॉट को हटा देते हैं, खराब हो गया, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले में क्या लिखेंगे, फ्लैक्स, ठीक है। जैसे आप ये फ्लैक्स लिखोगे, ठीक है, ये वाला पार्ट बस को जरा चेक कर लेना, ये हमारा फ्लैक्स कहाँ पहुंचा है, देखो फ्लॉट कहीं और भी रह गया शायद, हमारा डाला हुआ चेक करो, एक फ्लॉट यहाँ पर भी है, इस फ्लॉट को के लिए हटा दो और चेक करो कहीं पर कोई फ्लॉट है, था वो अलग सेक्शन है, फुटर में चेक करो, फुटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा पार्ट ओके आ रहा है, ठीक है। इस
flex यहाँ नहीं डालते हैं. Control S, refresh. हमारा डेटा दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है. तो हमने इसके लिए एक जो कंटेनर यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है ना, हमने इसको देना है, ठीक है. यानी कि लेवल सेकेंड हमने जो अभी ऑफर किया वो लेवल थ्री को ऑफर किया था, यानी कि यहाँ पर, यहाँ नहीं करना, आपने एक लेवल पीछे करना है. तो लिखेंगे डॉट फुटर, फुटर के अंदर जो हमारा डिव है उसका डिस्प्ले क्या हो जाए, फ्लैक्स हो जाए. अब रिफ्रेश करेंगे इसको वेब ब्राउज़र में, सही हो गया, बिल्कुल फ्लॉट वाला काम हो गया. अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, आपने जो ये हाइट है इसको रख दिया यहाँ पर, अंदर के जो चाइल्ड है उनको आपने हाइट नहीं देना है. हमने यहाँ से हाइट को हटा दिया, ठीक है. अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप इस फ्लैक्स के साथ अलाइन आइटम्स, वर्टिकली दोनों आइटम बीच में आ गए, बस बॉर्डर खत्म करो, काम हो गया हमारा. फ्लैक्स को कैसे पता चला, जैसे आप रो बनाते हो ना, जो एक हम लोग मेन सेक्शन बनाते हैं उसके अंदर हम बनाते हैं कॉलम्स, ठीक है. तो हम लोग कॉलम्स पर क्या लिखते आ रहे थे अभी तक, फ्लॉट लेफ्ट. तो अब आपको फ्लॉट की ज़रूरत नहीं है इस फुटर सेक्शन से. हम लोगों ने ये पार्ट हैंडल किया है कि फ्लॉट ना डाल के अब हम लोग जो कॉलम बना रहे हैं उसके पेरेंट को बोलेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, तो कॉलम ऑटोमेटिकली फ्लॉट हो जाएंगे, आपको फ्लॉट लिखने की ज़रूरत. उसको भी हम कर सकते हैं. तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, रिलोड करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ आ गया, हमने फ्लॉट निकाल दिया ना. तो ये सेक्शन है ना मेरा एक, ठीक है, इसको मुझे राइट करना है. तो मुझे डिस्प्ले ब्लॉक भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इमेज भी नहीं लिखेंगे, हम टू में जाके बोलेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और यहां लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट एंड. ये बाउंस होना जरूरी है तभी इसके ऊपर आप पूरा टेम्पलेट देखोगे नेक्स्ट क्लास में कैसे बनेगा. लेकिन हमने आज फ्लैक्स की शुरुआत की. फ्लैक्स में टेबल जैसे आपको पावर मिल जाती है कि टेबल जैसे होता है टॉप मिडिल बॉटम लेफ्ट सेंटर राइट, तो आपको मार्जिन मार्जिन से मैं बचा रहा हूँ नेक्स्ट सेशन से, ठीक है. वही तो बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से जाकर आपको पता चलेगा, ठीक है. वही मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास से आपको पता चलेगा कि फ्लैक्स आप देख रहे हो टोटलिंग जो हम लोग कर रहे थे, मार्जिन कितना डालना है क्या करना है सब खत्म. तो सिर्फ इसलिए मैंने इस वाले पार्ट के ऊपर आपको एक अभी करके दिखाया कि वर्टिकली अलाइन करना कितना आसान हो गया आपके लिए, हॉरिजॉन्टल अलाइन करना कितना. तो ध्यान रखना है कि जब हम लोग फ्लैक्स की बात करते हैं तो लेफ्ट सेंटर राइट यहाँ नहीं होता, लेफ्ट को बोलते हैं स्टार्ट, राइट को बोलते हैं एंड, सेंटर सेंटर ही होता है, ठीक है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, राइट में भेजने के लिए एंड की एंड में चला जाए, समझ जाओगे बहुत आसानी से. जब नेक्स्ट क्लास एग्जांपल दूंगा को मतलब टेम्पलेट बनाना इतना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए कि बस डेटा डालते जाओ खत्म. नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, जिस चीज़ से हम लोग निकलते हैं ना वो चीज़ हमें आसान लगती है. अब जब तुम फ्लैक्स कर लोगे कभी फ्लॉट तो मुझे छूना ही नहीं जिंदगी में, ठीक है, तुम्हें इतना आसान लगेगा. लेकिन जिस दिन तुम ग्रिड करोगे कहोगे नहीं यार ग्रिड तो फ्लैक्स से भी आसान है, कोई रो ही नहीं बनानी, ठीक है. एंड चाइल्ड तो काम करते ही है ना,
टेंथ सेल तो काम करती है। छूट गया होगा। HTML पता है क्या है, मतलब HTML में ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत बड़ा कोई एरर आ जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह में जो होती है ना, उनमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर यहाँ पर छूट गया हो तो बाई मिस्टेक मुझसे छूटा होगा, तो वो जब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा ना कोड की, तो वहाँ पर मुझे एरर पता चल जाएगा कौन कौन से मेरे इसके अंदर गड़बड़ हुई है। तो एक वेबसाइट होती है W3C वैलिडेटर, तो बाद में हमें वहाँ जाना होता है SEO के लिए, वहाँ पर जाकर हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ की हैं, उन सबको फिक्स करो, फिर आप वेबसाइट को लाइव करोगे। तो बाद में कोड को चेक भी करना होता है बनने के बाद। किसको रीनेम किया? अच्छा, सी ड्राइव में जाना है आपको, यहाँ से प्रोग्राम फाइल 86, इसमें आपको यहाँ पर आना है कॉमन फाइल्स, अडोबी के अंदर मैंने यहाँ पर एक रीनेम किया हुआ है फोल्डर। तो सर इसकी जगह आना क्या था? आपको कैसे पता कौन सा रीनेम करना है? मुझे तो पता ही होगा वहाँ पे अडोबी इसके अंदर भी आपको अडोबी के नाम से ना वो आपको दिखाओ, किसका लैपटॉप है अभी? चलो ऑन करके दो। तो ना दूसरा तरीका है कि जब आपका वो पॉपअप आता है ना, उस पॉपअप को ट्रेस करना है, टास्क मैनेजर में जाना, लैपटॉप ओपन करो, मैं दिखा भी देता हूँ। उसके बाद में आपने क्या करना है, उसकी फाइल लोकेशन ढूंढ लेनी है, तो आपको फोल्डर का नाम पता चल जाएगा। खैर अभी तो मुझे टेक्निकल नहीं हूँ, दिखाओ लाओ कंप्यूटर दो। तुम्हारे पे आ रहा है एरर? किसके मार रहा है? तेरे मार रहा है ना? अबे यार मैं लाइव में लाइव चल रहा हूं। फाइल का नेम बता दो उससे। मैंने कमेंट में टाइप की, मैंने बहुत आगे कंट्रोल सी प्रोग्राम कॉपी प्रोग्राम फाइल्स कॉमन फाइल अडोबी जीसी क्लाइंट के नाम से आएगा, तब तुम्हें भी कुछ दिन के बाद में आएगा। 11 अडोबी जीसी क्लाइंट यहाँ पर क्या बस का नाम पकड़ के एफ2 दबा के रीनेम लिख दो, कुछ भी लिख दो, डिलीट मार दो। आने का इंतजार करना, क्यों टेंशन ले रहे हो?